गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम ऑडियो विजुअल एड्स करने जा रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आर एक्सटेंशन एजुकेशन। सो ये हमारा कौन सा है, यूनिट टेन की क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, और मोस्टली ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो अगेन आई एम गिविंग यू अ 2 मार्क क्वेश्चन। सो क्या होता है हमारा ये ऑडियो विजुअल एड्स? ऑडियो विच कैन बी हियर, मतलब आप अपने ईयर्स से सुन सकते हैं, विजुअल आप अपनी आईज से देख सकते हैं। ये एक इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस होते हैं। इंस्ट्रक्शनल मतलब जो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दे प्रोवाइड यू इंस्ट्रक्शंस। लाइक अगर आप रेडियो सुन रहे हैं तो वहाँ से आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, दैट यू आर हियरिंग समथिंग, और यू आर टीवी देख रहे हो तो आप जो देख रहे हो वो आपके माइंड तक जाती है। सो दीज आर यूज्ड टू कम्युनिकेट मैसेज मोर इफेक्टिवली थ्रू साउंड एंड विजुअल्स। लाइक इन दिस पर्टिकुलर क्लास इटसेल्फ, यू आर नॉट गोइंग टू सी मी, आई एम नॉट गोइंग टू सी यू, बट स्टिल माई मोटिव इज टू कन्वे यू अ मैसेज। और मेरा मैसेज क्या है, आपको ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में बताना मेरे साउंड से, और स्क्रीन पे जो विजुअलाइज आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारा ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है, या कहें कि हमारा जो मैसेज है, जो मैं मैसेज आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, वो मैसेज इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो जाएगा। सो हेयर ऑडियो विजुअल एड, वॉट इज एड बेसिकली गाइज? हमारा जो एड होता है दैट मीन्स हेल्प। यहाँ पर ऑडियो विजुअल एड मतलब ऑडियो और विजुअलाइज चीज़ की मदद से हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव करते हैं और कंप्लीट करते हैं। सो ऑडियो विजुअल एड हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स क्या हो गए, हमारे सेंस ऑर्गन्स हो गए। सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना आपके आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, ये सब। सो हमारे सेंस ऑर्गन्स, लेकिन यहाँ पर ऑडियो विजुअल में कौन से दो हो रहे हैं, ईयर्स कान और आईज आँखें। दे फैसिलिटेट क्विक कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द मैसेज। ये एकदम से आपको बता देते हैं कि क्या मैसेज देना चाहती है जो भी सेंडर है टू द रिसीवर और बाय द ऑडियंस, अगर हम फीडबैक की बात करें। साथ के साथ दे कैन बी यूज फॉर लिटरेट एज वेल एज फॉर इलिटरेट पीपल। अगर यहाँ पर जो मैं लिखा हुआ है वो सिर्फ वो समझ पाएंगे जो लिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरी बोलचाल से, मेरी आवाज़ से, बाय माय कन्वर्सेशन ओनली इलिटरेट पीपल्स आल्सो नोज व्हाट आई एम स्पीकिंग, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो इसीलिए कंपाइल हम क्यों यूज़ करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, एक्सटेंशन में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम रूलर में जाते हैं, विलेजेस के अंदर जाते हैं जहाँ पर हर प्रकार के हमें लोग मिलते हैं। होपफुली बेसिक कंसेप्ट आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। लेट्स प्रोसीड, वॉट इज ऑडियो? अब इंडिविजुअल भी देखेंगे, हमारा ऑडियो क्या है, हमारा विजुअल क्या है, या हमारा ऑडियो विजुअल क्या है। सो वॉट इज ऑडियो? ऑडियो मतलब वॉट वी हियर, जो हमें सुनाई देता है। हमारी 5 सेंसेस होती हैं, हम सबको पता है, सुनना, देखना, टच करना, स्मेल करना, या फिर टेस्ट करना। ये सारी के सारी 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कम्युनिकेटिंग एनी काइंड ऑफ मैसेज। सो यहाँ पर ऑडियो की बात हो रही है, ईयर्स की बात हो रही है, हियरिंग की बात हो रही है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसीविंग एज वेल एज सेंडिंग अ मैसेज इफेक्टिवली। जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सिर्फ इस सारे को पढ़ते हैं तो आप अपनी समझ से पढ़ोगे, जितना आपको समझ में आएगा, बट इफ़ आई एम स्पीकिंग समथिंग, तो जो मेरी समझ है मैं उससे आप लोगों को और इफ़ेक्टिवली समझा पाऊँगी, बिकॉज आई एम स्पीकिंग, मैं उसको समझा रही हूँ, बोल रही हूँ। सो द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, ओरल और फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। अगर हम आमने सामने हों, आई टू आई कॉन्टैक्ट हो, जैसे टीचर का होता है, तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो हियरिंग कब प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल ओरल और फेस टू फेस कम्युनिकेशन की? यहाँ पर ओरल भी हो रही है, फेस टू फेस नहीं हो रही है, बट स्टिल यू हैव समथिंग टू सी। अगर हम फ़ोन पे बात करते हैं तो फ़ोन पे हमें क्या मिलता है,
किसी का फेस देखने को नहीं मिलता, सुनने को मिलता है, बट स्टिल हमारी बातचीत कहीं ना कहीं कुछ हद तक कंप्लीट हो जाती है। सो ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न गैजेट्स जैसे आपके रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, आपका टेलीफोन, मोबाइल फोन, ये सब तरह में आप देख नहीं पाते हो लेकिन आप सुन सकते हो इंडिविजुअल से। फेस टू फेस नहीं सुन पाते हो बट स्टिल ड्यू टू दीज इंटरवेंशंस, ये वाली जितनी भी इन्वेंशंस हमारी हुई है, बहुत ईजी हो गया है मोड टू कम्युनिकेट। सो पीपल इन सच सिचुएशन कम्युनिकेट विदाउट कमिंग इन टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी आप सब लोगों को पता होगा, आपका स्पेस से रिलेट करता है, कितने डिस्टेंस पे हम रहते हैं। लाइक आपका पब्लिक स्पेस होता है, पर्सनल होता है, इंटीमेट स्पेस होता है, सोशल होता है, इस तरह का। सो आपका बिना पास आए भी हम लोग ऑडियो एड्स की मदद से कॉन्वर्सेशन को कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। अदर वी हैव ऑडियो, व्हाट आर ऑडियो एड्स, यहाँ पर अभी हमने समझा था ऑडियो क्या चीज़ होती है, अब हम उस एड्स की बात कर रहे हैं। सो ऑडियो एड्स आर इंस्ट्रक्शनल डिवाइस, ये कुछ एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस वाली डिवाइस होती है थ्रू विच द मैसेज कैन ओनली बी हियर्ड, जिससे मैसेज सिर्फ सुना जा सकता है। और ऑडियो एड एक इंस्ट्रक्शनल डिवाइस है जिससे हम मैसेज को सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्लियर। देन वी आर हैविंग आर विजुअल, विजुअल जिसको हम सी कर सके, देख सके। सो विजुअल हेल्प करती है हमारी कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से। पांच हमारी फिजिकल सेंसेस होती हैं जिसके अंदर आईज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हम वर्ड्स आर नॉट एनफ फॉर कम्युनिकेटिंग एनी आइडिया, सिर्फ बोलना इज नॉट सफिशिएंट, देखना भी ज़रूरी है। अगर आप एडगर डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस का मॉडल याद करो तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि सुनना कितने परसेंट इम्पॉर्टेंट होता है, देखना कितने परसेंट इम्पॉर्टेंट होता है, और देखो और सुनो तो कितने परसेंट तक हम रिटेन रख सकते हैं। सो सेम वर्ड मे इवन मीन डिफरेंट, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट परस्पेक्टिव, अलग अलग लोग सेम चीज़ को अगर विजुअली देखते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर मैं यहाँ बोल नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको स्लाइड्स दिखा रही हूँ, तो हर कोई अपने मन के अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग समझेगा। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड सो मेनी टाइप कम्युनिकेशन बिकम डिफ़िकल्ट, बहुत समय कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाती है। किसी को हिंदी समझ आती होगी तो उनको ये इंग्लिश समझ नहीं आ रही होगी, किसी को कुछ और समझ में आता होगा लेकिन कुछ और नहीं। सो विजुअल हमारी ये कहलाती है, अब विजुअल एड्स क्या कहलाते हैं। सो एनीथिंग विच इज़ विजुअलाइज द मैसेज, या फिर जिसको हम हियर ना कर पाए, जस्ट वी कैन सी, हम सिर्फ अपनी आइज के थ्रू उस चीज़ को देख सकें, दैट इज पर्टिकुलर विजुअल एड्स। नाउ वॉट इज ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल क्या है, जिसमें हम सुन भी सकते हैं अपने कानों से, साथ के साथ अपनी आइज से हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो सुनना और देखना जब कंपाइल हो जाता है तो वो हमारा ऑडियो विजुअल कहलाता है। अब ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं ये भी देखते हैं। ये कुछ एक हेल्पिंग चीज़ें होती हैं, या हम कह सकते हैं डिवाइसेस या टेक्नोलॉजिकल मीडिया डिवाइसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं टीचर की। इफ़ आई एम अ टीचर, आई एम अ मेंटर, आई एम अ गाइडर, तो मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लैरिफाई कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, रिलेट करके, कोरिलेशन बैठा के, इंटरप्रिटेट करके, जो लिखा हुआ है उसको सरल शब्दों में समझा के, या फिर अपने लर्नर्स के अकॉर्डिंग मैं उस बात को इफ़ेक्टिवली, एक इंटरेस्टिंग तरीके से, इंस्पायरिंग तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से, विविड तरीके से समझा रही हूँ। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर हर टर्म्स के, ताकि मैं आपकी मोनोटोनस एबिलिटी ना हो, आपको बोरियत ना फील हो सेम देख के, थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। साथ के साथ डिफरेंट टर्म्स हैं तो हर कोई अलग अलग कर पाए कि हाँ ऑडियो अलग था, वीडियो अलग है और ऑडियो विजुअल अलग है। या दूसरे शब्दों में हम बात करें तो ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ किए जाते हैं टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि कंसेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से हो सके, आइडिया और स्किल्स हम अच्छे से ट्रांसफ़र कर सके। सो ये इनेबल करता है कि ऑडियंस क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, और उस चीज़ को सेम तरह करके क्या सीख रहा है। सो टू लर्न फास्ट, टू लर्न मोर, टू लर्न थॉरली एंड टू रिमेंबर लॉन्गर, वी नीड ऑडियो एज वेल एज विजुअल एड। सो
एक ओल्ड चाइनीज प्रोवर्ब है, क्या कहा गया है, कहावत है, इफ़ आई हियर आई फॉरगोट, अगर मैं सुनूंगी तो मैं भूल जाऊंगी, इफ़ आई सी आई रिमेम्बर, अगर मैं देखूंगी तो मुझे वो चीज़ याद रहेगी, लेकिन अगर आई डू आई नो, मैंने उस काम को कर लिया तो मैं समझ जाऊंगी कि उसको क्या कैसे करना है। सो ये एक पूरा का पूरा कंसेप्ट है हमारा। ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प करते हैं कंप्लीट एक ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर लर्निंग भी होती है, मोटिवेशन भी होता है और क्लैरिफिकेशन भी होती है ऑफ आइडियाज़। लर्निंग मोटिवेशन एज वेल एज योर क्लैरिफिकेशन ऑफ द आइडिया, स्टिमुलेशन आप लोगों के अंदर एक एक्टिवनेस की, एक काम की भावना जगाते हैं। सो एम क्या होता है, टीचिंग विद टेक्नोलॉजिकल मीडिया, जैसे हम आजकल यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और बहुत सारे मीडिया हैं, ये एक चैनल है, ये एक रास्ता है जिससे लर्नर सीख सकता है, लर्न कर सकता है जो उसको लर्न करने के लिए वर्थ हो, जो उसको समझने के लिए वर्थ हो। सारी की सारी चीज़ें हमारी ऑडियो विजुअल एड्स हैं। यहाँ एक छोटा सा चार्ट है आपका, क्लासिफिकेशन है ऑडियो विजुअल एड्स की। ऑडियो में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन्स, लिंगोफोन्स, ऑडियो सीडी, लैंग्वेज लेबोरेटरीज। ऑन द अदर हैंड विजुअल के अंदर चार्ट, पिक्चर, मॉडल, फ्लैनल बोर्ड, टेक्स्ट बुक, फ्लैश कार्ड, स्लाइड प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसी मैप्स, ब्लैक वाइट बोर्ड्स, और ऑडियो विजुअल में LCD प्रोजेक्टर हो गए, फिल्म प्रोजेक्टर, TV, कंप्यूटर, VCD प्लेयर्स, विजुअल क्लासरूम एंड मल्टीमीडिया, इतना कुछ होता है। सो ये सब आप लोगों के लाइव एग्जाम्पल हैं, लाइव एक्सपीरियंस है जो आप लोग अपनी लाइफ में देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। सो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी सिंगल क्वेरी, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको समझ में आया है तो भी कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। एंड मार्क माई वर्ड्स, 2 मार्क क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, कोई भी रिलेट इस टॉपिक को अगर आप समझ लेते हैं तो 2 नंबर आपके आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों का। सो शेयर कीजिए इस वीडियो को, सेफ रहिए घर पे, बहुत ज़्यादा पैंडमिक का टाइम चल रहा है, अपने आप को सेफ भी रखना है मेंटली भी और फिजिकली भी। सो टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।